सो है बहुत सारे पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज ना मैं आपको लेकर आया हूँ भाईकल्ला जू में, बिकॉज इसके पहले भी ना मैं यहाँ पर आया हूँ, आप लोग भी आए रहोगे यार। और यहाँ पर ना पहले ना डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं था यार, और एनिमल्स थे ना जो वो भी इतने अच्छे नहीं थे यहाँ पर, मतलब बहुत सारे एनिमल्स नहीं थे। तो अभी ना मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ बिकॉज यहाँ पर ना रीडेवलपमेंट भी ना काफ़ी अच्छा हो चुका है, एंड प्लस जो एनिमल्स है वो भी बहुत सारे आ चुके हैं यार। तो चलो अभी अपन अंदर चलते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यार कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ आया है। चलो चलते हैं। है पार्किंग का, एंड गाइस आप विश्वास नहीं करोगे यहाँ का पार्किंग का रेट कितना है, सिर्फ 5 रुपए यार। सो गाइस, ये जो देख रहे हो ना ये है टिकट काउंटर, तो पहले चलते हैं टिकट लेते हैं, आज गर्दी कम है यार। सो गाइस, ये जो देख रहे हो ना ये कुछ रेट है। फाइनली टिकट ले लिया यार अपन ने, और अभी चलते हैं अपन अंदर, अंदर चल के देखते क्या एक्सपीरियंस होता है आज का। जैसे ही अपन जू में एंटर करेंगे ना, जू में एंटर करने के बाद ना सबसे पहले अपने को देखने मिलेगा एलिफेंट, और आप ये देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है और काफी बड़ा है यार वो। तो ना गेट खोलने की कोशिश कर रहे यार, गेट खोल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस, एलिफेंट तो देख लिया यार अपन ने, अभी ना मैं आपको लेके चल रहा हूँ दिखाने के लिए टाइगर, जिसे देखने के लिए गाइस बहुत सारी क्राउड है, ऐसा लग रहा है कि पूरा क्राउड यहाँ पर ही आ गया भाई सिर्फ टाइगर देखने के लिए। तो चलो अभी अपन भी आए हैं तो चल के देख ही लेते हैं, और आपको भी दिखाते हैं कि टाइगर कैसा है, कितना बड़ा है, और मस्त स्विमिंग विमिंग भी सब कुछ कर रहा है टाइगर। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हो टाइगर को देखने के लिए ना काफी क्राउड है यार, और टाइगर बहुत बड़ा है यार। सो गाइस, मैंने जितना सोचा था ना उससे ज्यादा ही कुछ यार डेवलप्ड हो चुका है, और यहाँ पर जो अपने जो एनिमल्स है ना वो भी काफी ज्यादा आ गए यार। तो चलो अभी अपन चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या देखेंगे। अभी ना अपन आए हैं देखने के लिए चीता, और गाइस यहाँ पर ना दो दो चीता है यार, और एक चीता है ना वो तो खाली घूम रहा है यार, ऐसा लग रहा है उसने ज़्यादा कुछ खा लिया और डाइजेस्ट कर रहा है वो। तो चलो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो ना ये मुझे लगता है मेल चीता है, और ये ना भाई जब से देख रहे हैं ना अपन तब से वो खाली वॉक ही कर रहा है यार, लग रहा है उसने ज़्यादा कुछ खा लिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रिपेड है ना, और ये जो देख रहे हो यहाँ पर मस्त है यार, ऐसा लग रहा है घोड़े बेच के सो रहा है भाई अपना मस्त, और ये ना ऐसे ही रहते हैं एकदम सिस्टर्ड ही रहते हैं, देख रहे हो कितने प्यार से सो रहे हैं एकदम। एंड लिटरली यार गाइस, ये जो है ना अपना जू ये काफ़ी चेंज हो चुका है और एकदम अच्छा हो चुका है, और बोलते हैं एकदम लुक है ना जो यहाँ का एकदम डिसेंट हो चुका है यार, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि भाई अपने मुंबई में ऐसा जू है करके, और होगा करके जो अपना नेशनल पार्क है वो तो ऑलमोस्ट नेशनल पार्क है इसके कंपेयर में, बट लेकिन ये ना बहुत बोलते हैं ना एकदम साफ़ सुथरा है और देखने में भी एकदम सही लग रहा है, और यहाँ पर जो ग्रीनरी है ना गाइस वो एक नंबर है यार, मतलब बोलते ना मज़ा आ गया, 50 रुपये तुम्हारा वसूल हो जाएगा अगर यहाँ पर आओगे तो, और ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी वो तो अलग ही बात है इसकी। तो गाइस अपने को ना यहाँ पर ऐसे छोटे शेर भी देखने मिल सकते हैं, है कि बिल्ली है बट उन्हीं की प्रजाति है ना, अरे देखो कितने प्यार से यार ये देखो कितने प्यार से सोई है यार, देख रहे हो बहुत प्यार से सो रही है। अभी टाइम आ चुका है आपको दिखाने का, जो बोलते हैं ना एकदम खतरनाक है, एकदम खतरनाक मतलब बोलते हैं एकदम ही खतरनाक चीज़ है वो है बियर, मतलब भालू, वो आपको चल के दिखाता है, और उसके जो नाखून बिकून भाई बहुत बड़े बड़े रहते, तो चलो वो देखते पहले आपको। तो गाइस अभी मैं आपको लेकर आ चुका हूँ टर्टल दिखाने के लिए, और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना ये है पूरा सेक्शन टर्टल का, तो चलिए अभी टर्टल भी देखते हैं। गाइस देख सकते हो यार आप क्या प्यारे प्यारे टर्टल है यार, ये मस्त एकदम
ये वाला जो सेक्शन देख रहे हो ना, ये सेक्शन है टर्टल्स का। और जस्ट उसके बाजू में यहाँ पर देख रहे हो, ये है सेक्शन स्नैक्स का यार। देख रहे हो काफ़ी बड़ा है यार और जाड़ा भी है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड ही नहीं हो रहा है यार। ओ भाई साहब काफ़ी बड़ा है यार, इतना बड़ा है यार ये। देखो फ्रेम में भी नहीं आ रहा है यार, इतना बड़ा है। मुझको तो लगा था यार सिर्फ टर्टल ही देखने मिलेगा, बट लेकिन वो स्नैक भाई साहब कितना बड़ा था यार। और लिटरली यार आपने भी देखा होगा वीडियो में यार, मैंने जूम करके देखा है इसलिए गाइस काफ़ी बड़ा था यार। वो फोन में नहीं, मतलब बोलते हैं ना अपना फ्रेम में ही नहीं आ रहा था यार, वो इतना बड़ा था कि भाई मुझे आगे पीछे करना पड़ रहा था। और लिटरली यार, और उसको देखने के लिए ना जैसे वो नीचे आया ना, और नसीब अच्छी थी यार अपनी, मैं जैसे ही नीचे आया ना थोड़ा सा, वैसे ही ना सांप भी जो था पहले पीछे था फिर आगे आ गया। मतलब अपनी जो नसीब है ना वो आज अच्छी चल रही है, और आप लोगों के वजह से यार सिर्फ, बिकॉज आप लोग नहीं होते यार तो मैं भी यहाँ पर नहीं आता यार, तो इसीलिए हम भी आए यहाँ पर एक्सप्लोर करने। और अगर आप भी कभी आ रहे हो ना तो फुल टाइम निकाल के, और अगर टाइम निकाल के आओगे ना तो यहाँ पर घूमने भी मजा आएगा। और अगर वन डे इन्जॉय करना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ यार। और यहाँ पर कैंटीन भी है यार, और मस्त आके आप दबा के खा भी सकते हो, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, रिजनेबली प्राइस में यार सब कुछ। तो गाइस चलो अभी चलते हैं एक्वा बर्ड्स में। एक्वा बर्ड्स में आपका स्वागत है। चलो ये देख रहे हो कितना बड़ा है यार, लिटरली यार ये बर्ड्स कितना बड़ा है। और ये वाला भी देख रहे हो बहुत बड़े बड़े हैं यार। ये वाले जो बर्ड्स देख रहे हो ना आप गाइस, ये ना आपको तो उसका जो हेड है ना वो पूरा हेड रोटेट कर लेता है यार, देख रहे हो। और काफ़ी बड़ा है वो, लिटरली काफ़ी बड़ा है यार। वो जो पत्थर जिस पे खड़ा है ना वो, उससे भी ऐसा मुझे लग रहा है बड़ा है, अगर उसका अगर मुंडी ऊपर किया जाए तो यार। आप देख रहे हो ये भाई योगा कर रहा है अपना, एक काम कर रहा है। अपने को ना यहाँ पर देख रहे हो ऐसे मंगूस भी देखने मिल जाएंगे। देख रहे हो अरे कहाँ भाग रहा है, भाग गया है। अरे देखो ये यहाँ पर आ रहा है, ये है मंगूस। ओ भाई अगर आप भी ना बर्ड्स को देखने में इंटरेस्ट रखते हो, या अगर आपको एनिमल लवर हो, तो भाई एक बार आके ना ये भाई कल्ला जू में विजिट करो यार, लिटरली यार बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ बोलते हैं ना, बहुत प्रकार के आपको बर्ड्स देखने मिल जाएंगे, इतने बड़े बड़े बर्ड्स हैं ना गाइस यहाँ पे, जो बर्ड्स ना अपन ने देखे नहीं, अपन सिर्फ डिस्कवरी पे देखते थे यार जब वो उड़ते थे, हाँ भाई इतना बड़ा बड़ा होता है करके। 50 रुपये में ऐसे ऐसे चीज़ देखने मिलेंगे ना, सोच भी नहीं सकते हो यार। देख रहे हो पूरा ग्रुप है और क्या लग रहे हैं। और ये जो फर्स्ट वाला है ना उसका सीन देख रहे हो कितना बड़ा है। ऋतिक रोशन की मोहन जोदारो ये मूवी तो देखी होगी, और वो मूवी में ना जो क्रोकोडाइल था वो इतना बड़ा होता है, वो क्रोकोडाइल जो यूज़ किया था ना गाइज, वो क्रोकोडाइल भी ना यहाँ पर है यार, मतलब अपने भाई कल्ला जू में वो क्रोकोडाइल है यहाँ पर। सो गाइज ये जो आप क्रोकोडाइल देख रहे हो ना, उसी की मैं बात कर रहा था। और यहाँ पर देख रहे हो आप मेंशन भी किया है क्रोकोडाइल फ्रॉम द फिल्म ऑफ मोहन जोदारो, और ये देख रहे हो गाइज ये रियली इतना बड़ा था। अब चलते हैं अपन बर्ड्स पैराडाइज में। ये देख रहे हो ये बर्ड्स आज तक मैंने भी नहीं देखा था यार कभी। गाइज देख रहे हो क्या प्यारे प्यारे बर्ड्स है यार। ए भाई छोड़े भाई छोड़ भाई लड़ाई मत करो। चलो अभी आपको दिखाते हैं पैरट। यहाँ पर पैरट मस्त मजे कर रहे हैं यार, देख रहे हो कितने सारे यार पैरट। सो गाइस अभी ना मैं आपको लेकर आ चुका हूँ पेंगुइन कक्ष के यहाँ पे, और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है पेंगुइन कक्ष। तो चलो चलते हैं अंदर। पेंगुइन का जो एरिया था वहाँ से बाहर, लेकिन पेंगुइन ना एक नंबर थे यार, आओगे ना तो आप देखना यार मजा आ जाएगा लिटरली यार। पहली बार मैंने देखा यार, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट है यार वो। यहाँ पर ना आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर ना अपने को बर्ड्स देखने के अलावा ना ऐसा गार्डन भी देखने मिलेगा, जहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे बच्चे लोग को लाके आप छोड़ सकते हो यहाँ पे, बच्चे भी मस्त इन्जॉय करेंगे, इनका भी इन्जॉयमेंट हो जाएगा, एक पिकनिक हो जाएगा यार छोटा सा इनका भी। और आप जाके इनको लेके जो भी बर्ड्स है एनिमल्स है वो भी दिखा सकते हो यार। और देख रहे हो बच्चों के अलावा यहाँ पर बड़े ही चालू हो गए भाई, क्या करें मुंबई है भाई, यहाँ पर सब चलता है। सो गाइज ये ब्लॉग में सिर्फ इतना ही था यार,
उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ, पीस आउट।